संदेश खाली केस में आया नया मोड़, स्टिंग ऑपरेशन से गरमाई बंगाल की सियासत। हाँ, संदेश खाली के लोगों को भी आपने गुमराह किया, आपने उनसे झूठ बुलवाया। बीजेपी पर हमलावर हुई ममता बनर्जी, आरोपों पर बीजेपी ने दिया ये जवाब। देखिए ममता बनर्जी, संदेश खाली में उन्होंने जो पाप किया है उस पाप को दबाने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रकरण कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। क्या संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो हुआ वो पहले से प्लान था? क्या टीएमसी को बदनाम करने के लिए बीजेपी ने साजिश रची थी? क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह बड़ी साजिश रची गई है? ये सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि शनिवार को संदेश खाली उत्पीड़न मामले से जुड़ा एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। संदेश खाली में दुष्कर्म के आरोपी पूरी तरह से सुनियोजित थे। गुप्त कैमरे से कैद किए गए वीडियो में एक स्थानीय बीजेपी नेता को यही बात कहते हुए सुना जा सकता है। हालांकि वन इंडिया हिंदी इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता है। दरअसल वायरल वीडियो में एक शख्स ये मानता हुआ सुनाई दे रहा है कि दुष्कर्म समेत सभी आरोप योजना के तहत लगाए गए थे। वीडियो में उनकी पहचान संदेश खाली टू ब्लॉक के बीजेपी के मंडल अध्यक्ष गंगाधर कयाल के रूप में हुई है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जबकि बीजेपी सभी आरोपों को गलत बता रही है। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि वीडियो संदेश खाली में छिपे हुए कैमरे के जरिए रिकॉर्ड किया गया था। स्थानीय सूत्रों के माने तो वीडियो में दिख रहे गंगाधर का घर संदेश खाली के सिंहपारा इलाके में है। स्थानीय बीजेपी नेतृत्व का दावा है कि वह मंडल अध्यक्ष नहीं है, सिर्फ उनकी पार्टी के समर्थक हैं। बीजेपी के वशीरहाट संगठनात्मक जिला उपाध्यक्ष विवेक रॉय ने ये भी दावा किया है कि वे मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मामले में बीजेपी पर आरोप लगाया है। नादे जिले के चखदाहा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि संदेश खाली की पूरी घटना पूर्व नियोजित थी, बीजेपी ने घटना की पटकथा लिखी, अब सच्चाई सामने आ गई। वहीं संदेश खाली घटना को साजिश बताने वाले टीएमसी द्वारा जारी एक वीडियो पर पार्टी नेता शशि पांजा कहती हैं, वो ऊपर से नीचे तक बीजेपी झूठ और धोखे से भरी है और पश्चिम बंगाल को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। संदेश खाली के लोगों को गुमराह किया गया और उनसे झूठ बुलवाया गया। वीडियो स्टिंग ऑपरेशन द्वारा जो मालूम पड़ रहा है कि जहां सामूहिक बलात्कार वाली बात बोले थे ना भारतीय जनता पार्टी, और दिल्ली के नेता मंत्री भी बोले थे, कुछ कुछ लोग कैंडिडेट भी हैं भारतवर्ष में, तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियां बोल रहे थे कि सामूहिक बलात्कार होता है। कमीशन आई और देखी और ये सब बातों को विश्वास किए या उनको विश्वास दिलाया गया। अब ये ऊपर से नीचे तक जिन्होंने इस षड्यंत्र में योगदान किया भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बंगाल को बदनाम करने के लिए, और इस तरीके के जो कारनामे नहीं हुए हैं और वो कांड हुए हैं करके लोगों को आप वहां संदेश खाली के लोगों को भी आपने गुमराह किया, आपने उनसे झूठ बुलवाया। इस मामले पर पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रमुख सुशांत मजुमदार का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि संदेश खाली में किए गए पाप को छिपाने और दबाने के लिए ममता बनर्जी ये सब कर रही है। देखिए ममता बनर्जी, संदेश खाली में उन्होंने जो पाप किया है उस पाप को दबाने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रकरण कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। एक वीडियो निकला है तो वीडियो को आप यकीन करेंगे या जो महिलाएं आप बीती बोल रही है एफिडेविट करके बोल रही है उसको क्यों झूठ मान रहे हैं आप? बता दें संदेश खाली केस में शेख शाहजहां जेल में बंद है और इस स्टिंग ऑपरेशन से हंगामा मचना शुरू हो गया, बल्कि राजनीति इस पर गर्मा भी गई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।